जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/8/2021। बाबा कहते, बच्चे तुम हो मेरे राइट हैंड। राइट हैंड क्यों कहते? क्योंकि जो भी शुभ कार्य करने होते हैं, हम अच्छी तरह जानते, वो राइट हैंड से किए जाते। तो राइट हैंड माना राइटियस, उनसे गलत काम नहीं हो सकते। अगर ये बात हम याद रखें कि हम बाबा के राइट हैंड हैं, तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, ऐसे कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि आज बाबा ये भी बता रहे कि जब हम बच्चे सेवा करते हैं, संगठन में आते हैं, तो द्वैत मत हो जाती है, भाव स्वभाव के मतभेद होते हैं, विचार सब अलग अलग होते हैं, तो वहां पर कभी खटपट हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो वो डिसर्विस हो जाती है, बाबा का नाम बदनाम हो जाता है। तो अगर इस प्रकार के हमारे अंदर संस्कार हैं, तो वो हमें मिटाने होंगे, उसे बदलना होगा, उसी पर ही हमको अपनी मेहनत करनी है। सेवाओं की बात भी बाबा बहुत अच्छी बता रहे, गीत भी हम सब ने सुना, बहुत अच्छा गीत है। बाबा कहते तकदीर बना रहे, कितनी ऊंची तकदीर। स्कूल में बच्चों को किस लिए भेजते? पढ़ाई करके अपनी तकदीर बना रहे, ऊंच पद पर। बाबा भी कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे अच्छी तरह पढ़ो और ऊंच पद को प्राप्त कर। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बन, सदा श्रेष्ठ कर्म कर। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? सेवा भी करें, हमारा संस्कार विघ्न भी डाले, तो कमाई नहीं होगी। तो कौन सा संस्कार विघ्न डालता है? उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में द्वैत मत के संस्कार हो जाते, तो वो सेवा में बहुत विघ्न डालते।
दो मतों से बहुत नुकसान होता है। दो विचार है, दो व्यक्ति है, वो सोचे मेरा हो मेरा हो, गड़बड़ हो जाती है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। जब गुस्सा आता है ना, माइंड अपसेट हो जाता, समझता नहीं हम किसके लिए बोल रहे, बाबा के लिए भी कुछ कुछ बोल देते। इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार है तो उसको निकाल, चेक करो मेरे अंदर कोई ऐसा संस्कार नहीं। एक ने कहा दूसरे ने माना, रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें, और बाबा की याद में मिल करके बाबा की सेवा करें। गीत तकदीर जगा कर आई, ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों ने, आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। देखो कितना बाबा याद करा रहे स्पष्ट, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा ने कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है। मेहनत एक बात की है, करना तो पड़ेगा। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है, ये गुप्त मेहनत। अंदर ही अंदर करनी है ना मेहनत, गुप्त है, दिखती नहीं है। बाबा भी गुप्त है तो बाबा मेहनत भी गुप्त कराते, पढ़ाई गुप्त है, मेहनत भी बाबा गुप्त कराते। बाबा स्वयं आकर कहते हैं बच्चों मुझे याद करो, कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफक फिर से सतो प्रधान बनेंगी। बच्चे समझते हैं हम भी सतो प्रधान थे और अभी हम तमो प्रधान बनी हैं, सतो प्रधान तो जरूर बनना है। गीत में कहते ना, तकदीर जो गवाई है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने एक सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि वो सबको पावन बनाते। तकदीर बनाने तदबीर करा रहा है कौन? स्वयं बाबा। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, क्यों जाता है स्टूडेंट? कुछ पाने, कुछ बनने। अब वो तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तुम तो छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो। वंडरफुल पढ़ाई, वंडरफुल स्कूल बाबा का, बच्चे जवान बूढ़े सब एक ही स्कूल में हम पढ़ रहे, तुम तो बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई कोई बुढ़े भी है, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि थोड़ी शार्प होती है ना। तो बाबा कहते जवानी में पढ़ना अच्छा होता, जवान की बुद्धि अच्छी होती है, थोड़ी स्वच्छ होती है, पवित्रता में थोड़ी बहुत स्टेज रहती है। ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, फिर बाबा के सामने कोई बच्चा भी बैठा होगा, बाबा कहते ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति निंदा दुख सुख इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। हमारी आत्मा बढ़ती है क्या? बड़ी होती है,
नहीं, वो तो वैसी बिंदी है, 5000 वर्ष, 84 जन्म लेते, पर आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। अगर छोटा बड़ा होता है तो शरीर होता है, आत्मा तो एक रस होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे, क्योंकि अभी बिल्कुल बुद्धि क्या बन गई, तमो प्रधान बन गई, तो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते, पूजा करते हैं। आगे तो तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे ना, सभी जाते थे मंदिरों में, गुरुओं के पास, तीर्थ यात्राएं, यज्ञ तप सब कुछ करते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा है, बाबा से जरूर वर्षा मिला, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं ना तो उनकी महिमा गाते। दुनिया में भी क्या है, देवी देवताओं की महिमा है, परमपिता परमात्मा को तो सारे लोग याद करते हैं। फिर बाबा कहते जैसे कोई महापुरुष वगैरह होते हैं, अच्छे कार्य करते, कोई देश के लिए करते हैं, तो क्या करते लोग, उनकी महिमा भी करते हैं, दूसरा क्या करते, सुन, तो स्टैंप बनाते, कितनों की बनाइए ना स्टैंप, टिकट बनाते हैं। बाबा कहते स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सर्मोनाइजर, ये स्टैंप है ना, सहज बन जाएगी। वह बाप सबको सुख देने वाला। बाबा कहते मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने आया हूं। अब बुढ़ियों को, बुढ़िया भी जो है ना, वो भी समझती होगी कि हम शिव बाबा के पास आए। जो विचित्र है, बाबा के पास मधुबन में तो सभी बच्चे आते ना, एक तो बहुत अच्छा बुढ़ियों का स्पेशल ग्रुप आता था, वो गुड़गांव में एक छोटा सेंटर था, उसकी इंचार्ज निमित बहन, वो भी बुढ़ी माता, और क्लास में जो आते थे ना वो सब उसकी हमसरी बुढ़ी माता है। तो साकार बाबा के समय की बात है, तो बाबा के पास पूरा वो ग्रुप लेके आते, और बाकी तो सब जगह से आते हैं। तो बाबा कहते जिसने इस चित्र तन में प्रवेश किया, निराकार को कहते विचित्र, क्योंकि अपना शरीर नहीं है, बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। जिसने ये टेम्पररी चित्र धारण किया, टेम्पररी ब्रह्मा बाबा का, पतितों को पावन बनाने, मुक्ति जीवन मुक्ति देते, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए कोशिश करते हैं, भगवान मिले शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, सब ज्यादा क्या मांगते, शांति दो शांति दो। बस बाबा के पास घर चले जाएं, भगवान मिले, ऊपर जाएं भगवान के पास शांति मिलेगी। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखते हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण, जीवन मुक्ति को जानते ही नहीं कि सदा सुख की दुनिया क्या है, कब है, कौन सी है। बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला तो कोई है नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाके भी क्या मांगेंगे, शांति चाहिए। कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो सब मुक्ति में जाने वाले हैं।
मोक्ष क्या होता है वह भी तो बुद्धि में नहीं आता। फिर क्या करते, तंग होकर कहते बाबा मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। अच्छा कहाँ देंगे बाबा, नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे? राज्य भाग्य कहाँ देंगे, नई दुनिया में देंगे ना। ऐसे तो नहीं कि दुर्गति में छोड़ के जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते, पतित और पावन इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना। कहां भी कोई चीज में प्यार मत रखना पुरानी दुनिया में। बुद्धि कहती है बरोबर, अभी हम संगम युग पर है और ये दुनिया बदलने वाली है। बाबा आए हैं, बाबा कहती मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, तुमको दुख से छुड़ाकर कहां ले जाता हूं। हाँ, शब्द याद रखो, हरि के द्वार, इसलिए हरिद्वार भी शहर बना हुआ है। सच्चा सच्चा हरि का द्वार परम धाम, तो स्वर्ग को भी हरि धाम कहते हैं, हरिद्वार कह सकते हैं, क्योंकि हरि कृष्ण को भी कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते मैं तुमको दुख से छुड़ाकर हरि के द्वार ले जाता हूं। अब ये तो ज्ञान की बात है ना, हरि द्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया। हरिद्वार जाते हैं ना तो वहां पर फिर वह भी देखने लोग खास जाते हैं, लक्ष्मण झूला। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरि द्वार कहा जाता, हरि द्वार, हरि का द्वार। फिर राम लक्ष्मण दिखाते, वह बात कोई है नहीं, ये तो बनी बनाई बात है। राम को कितने भाई दिए, रामायण में राम को कितने भाई दिए, चार भाई, चार हो गए ना। लेकिन बाबा कहते हैं अभी चार आठ भाई वहां थोड़े होते हैं, सतयुग त्रेता में तो कायदे सिर बच्चे होते हैं, चार चार भाई तो होंगे नहीं। एक तरफ ईश्वरीय संतान, दूसरे आसुरी संतान। अब तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा हैं और ब्रह्मा कौन, दादा प्रजापिता। वह आत्माओं का पिता तो अनादि है, कौन, शिव बाबा। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ऐसे नहीं शिव बाबा शालिग्रामों को रचते। अब शालिग्राम तो बने बनाए हैं, आत्मा का नाम है शालिग्राम, तो उसको बाबा बनाता थोड़ी, वो तो अनादि है। नहीं, शालिग्राम अविनाशी है। सिर्फ बाबा के क्या करते, जो शालिग्राम पतित बन गए, आत्मा पतित बन गई, उन शालिग्रामों को बाबा पावन बनाते। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता। हम आत्माएं पवित्र थी सत्व प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सत्व प्रधान कैसे बने, ये तो सहज समझने की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित,
तो वो प्रधान हो गए। अब सर तो प्रधान बनना है, हिसाब किताब चुकतू करके सब शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम जाएंगे। आत्माएं निराकारी घर में कैसे आती है, उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग है ना, झाड़ में बल्ब लगा करके ना सजाते, ट्री है ना उनका स्पेशल क्रिश्चियनों का, फिर उसमें लाइटिंग करते हैं। तुम जानते हो हम सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं, कहां पर, परम धाम में जो झाड़ है ना, अलग अलग सेक्शंस है, वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती है, ये नॉलेज तुमको अभी मिली। हम आत्माओं का घर है शांति धाम, और अभी हम कहां बैठे, संगम पर, वहां से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर हम सभी वापस जाएंगे। प्रलय नहीं होगी, जलमय नहीं होगा। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने, फिर से स्वराज्य लेने आए। ये कोई सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है, याद से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते देश सहित जो भी दे के मित्र संबंधी है ना, बच्चे सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र दो शब्द है ना, विचित्र किसको कहेंगे, अंडरस्टूड है, विचित्र माना जो दिखता नहीं है आंखों के द्वारा। ये बहुत महीन बातें, आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में अब ये बातें तो है नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है और हमारा बाबा है, उनको कहते पति पावन। हे भगवान कहकर के याद करते हैं, दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं, तो याद एक को करना चाहिए। भगवान को याद करते हैं, जरूर उनसे कुछ मिलना होगा, तब तो याद करते हैं। अच्छा फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो, एक जगह बैठ के एक भगवान को याद करो, इधर गए उधर गए, एक गुरु किया दूसरा किया, क्या जरूरत है। बाबा कहते भगवान तो परम धाम से आते, हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि हम पतित हैं, पतित वहां नहीं जा सकते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पाठ कैसा वंडरफुल है। एक भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, जब वो एक ही है, सब कहते हैं ना गॉड इज वन, जब वो एक ही है फिर दूसरी तरफ धक्का क्यों खाते हो, ये पॉइंट हम उनको बता सकते हैं। वो एक ऊपर में रहता है, परंतु ये सब नूंद है ड्रामा में, ड्रामा अनुसार भक्ति करते बेहद बेसमझी से। क्या बोला बाबा ने, बेहद की बेसमझी, समझी भी बेसमझी भी बेहद की, इधर गए उधर गए, चारों धाम धक्के खाते। अब तुम बेहद के समझदार बन गए। कैसे बन गए हम बेहद के समझदार, बेहद बेसमझ थे। याद रखेंगे, श्रीमत पर चलने से हम समझदार बनते। अच्छा फिर वो छिपे नहीं रह सकते जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम करेंगे। उन बच्चों की क्वालिफिकेशन बाबा बता रहे, देखो अपने आप को,
बाबा कहते हम दुख हरता सुख करता है। बाबा की महिमा क्या है? दुख हरता सुख करता। तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा? मीठा बनना पड़ेगा। कितना मीठा बनना चाहिए? बाबा का राइट हैंड बनना चाहिए। सब हो ना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कोई नहीं बनना। ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं, राइट हैंड है। तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करता है। राज बता रहे बाबा, राइट हाथ राइटियस काम करता है। इसीलिए इस राइट हाथ को शुभ कार्य में लगाए, शुभ काम सब इनके द्वारा करते। पूजा कैसे करते? हमेशा राइट हैंड्स। बाबा कहते हर बात में बच्चे क्या बनो? राइटियस, राइटियस बनो। बाबा मिला खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मामे कम याद करो, अंत मते सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही देते बाबा। गाया जाता ईश्वर की गत मत ईश्वर जाने। पतित पावन वही है, वो जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाकर दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। बाबा जानते हैं ना भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, परंतु सदगति तो होती नहीं, फल कुछ भी नहीं मिलता। सदगति देने वाला है एक बाबा। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं ना, उनको फल कौन देता है? बाबा कहते मैं देता हूं। वह भी ड्रामा में नूंद है, जो जैसी भक्ति करता उनको आप ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। वो भी ड्रामा में नूंद है। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से ही बच्चों को बनना है। बाबा कहते मीठे मीठे बाबा को याद करो, वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान गए और अभी बाबा से वर्षा ले रहे हो। रचिता रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये नॉलेज हमारे में थी नहीं। यज्ञ तप करना, शास्त्र आदि सुनना, ये सब है शास्त्रों की नॉलेज। उनको कहते भक्ति। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट होती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाबा ने दी। सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज किसने दिया? बाबा ने दिया। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स हैं पाठधारी। ये अनादि नाटक बना हुआ है, ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होना ही चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में आ गए। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि देवी देवता धर्म है, उनको हिंदू कह दिया। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए सेवा में। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए ना। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, बाबा रोज दिल्ली को याद करते। परिस्थान भी तो दिल्ली को कहेंगे सतयुग में। ये जमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है, कितनों ने राज्य किया। देवताओं की कैपिटल भी ये थी, तो दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है करने नहीं देती, विघन डालती है।
आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस करनी चाहिए। वो लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं ना बाहर वाले, तो क्या होता है, राजाई भी उड़ जाती, दूसरा लाभ ले लेता है, दो पार्टी हो जाती है, प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत नुकसान करती है, फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते, नुकसान भी बहुत होता। क्रोध का भूत आता है ना, बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते बहुत अच्छी कहावत है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी, गोथरी माना थैली पिशवी, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे। अब कोई धारण करे ना करे तो पुरुषार्थ पर मदा रहे, ऐसे नहीं कोई पे बाबा आशीर्वाद करेंगे कृपा करेंगे। अब इसमें कृपा तो मांगने की बात ही नहीं ना, प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता तो बाबा कहते मुझे क्या पड़ी है इस गंदी दुनिया में आने की, क्यों आता मैं। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है, इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं है। तुमको तीन इंजन मिली है इकट्ठी, कितनी, तीन इंजन, ऊंची पहाड़ी है ना, तीन इंजन, क्या बात है। कैसे भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सतगुरु अलग होता है, या तीनों भी साथ में मिल गए एक साथ, बाप टीचर सतगुरु। बाबा कहते मैं तुमको पूज्य बनाता हूं, फिर तुम पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए, ऐसा ज्ञान दो कि और ही बेहोश हो जाए। पहले पहले ना मुख्य दो बाप का पहचान दो, बहुत अच्छी बात है ये, दो बाप इजीली समझ जाते हैं। भगवान बाप है, उनका जन्म, शिव जयंती भी तो मनाते हैं, जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में स्वर्ग था, अब नर्क के विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई है, जरूर बाबा नई दुनिया स्थापन कराने वाला है। बाबा की श्रीमत पर हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बना के ही छोड़ेंगे, ऐसे से बाबा कहते समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला जैसे बाप दुख हरता सुख करता है ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बनना है। दूसरा, कभी दो मते नहीं बनाओ, एक ने कहा दूसरे ने माना, भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत है, निकाल देना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप और अभी प्राप्ति का अनुभव किया। भविष्य की गारंटी तो है ही, वो तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के अगर नशे में रहे ना, स्वतः ही बाबा
और जहां याद है बाबा की वहां फरियाद नहीं। फरियाद माना क्या करें कैसे करें, ये तो होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो, इसको कहते फरियाद। बाबा से ये फरियाद मत करो। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो, बाबा को याद करते रहो, सब फरियाद मिट जाएगी। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। क्योंकि मेहमान समझने से उपराम हो जाते हैं, ट्रस्टी होकर रहते हैं, तो महान बनना भी सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आईना साफ किया साफ नजर में।